में ले जाऊंगा। देखिए विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो मुख्य रूप से बातें रखी है इसके अंदर, इस जनता के मांग पत्र में, वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति गणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से FIR दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जातीय जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे, इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के तुक से सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2, उसी के तहत किसानों को MSP मिले, इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से MSP की मांग की, लेकिन इस सरकार ने हमेशा उन्हें अपने ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को MSP दिया जाए, बिना MSP के उनकी खुशहाली के रास्ते बनाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को MSP उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के जाएंगे। युवा और रोजगार, इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, आंकड़े तो 80% से ऊपर बताते हैं, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में ना रोजगार है ना नौकरी। देश जो इतना बड़ा है, संसाधन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी। और फिर उत्तर प्रदेश का हाल तो और आगे है, ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती, और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, एक दो नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए, और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए जहां पर बीजेपी की सरकार है, और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े। आटा और डेटा का अधिकार, अभी जो राशन मिल रहा है, जो गरीबों तक राशन पहुंचाया जा रहा है,
न वो पौष्टिक है न उसकी क्वालिटी है। कोई गरीबों को केवल राशन इसलिए उपलब्ध करा दे रहे हैं कि बस उन्हें भोजन मिल जाए, लेकिन जब तक पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता, वो सोच और समझ भी नहीं अच्छी हो सकती। इसलिए आटा और डाटा का अधिकार की बात इसमें हम लोग कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग दोगुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस विजन डॉक्यूमेंट में भी हम लोग शामिल कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पैरामिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये मांग हमारे सभी कर्मचारियों की है। जिस तरीके से सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं और समय समय पर अखबारों के माध्यम से कुछ और माध्यम उससे जो जानकारी मिलती है, भारत का कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा सीमाएं सिकुड़ रही हैं और इस सरकार ने जानबूझ करके अग्निवीर लाने का काम किया है। और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाई है सरकार क्योंकि जो हमारे गांव के परिवारों के बच्चे जो चले जाते थे उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं पे उनकी तरक्की हो जाती थी, खुशहाली आ जाती, उन्हें सम्मान मिलने लगता था, आर्थिक रूप से वो थोड़े बहुत खुशहाल हो जाते थे, उनकी अगली पीढ़ी अच्छा पढ़ लिख लेती थी, नौकरी अच्छी पा लेती थी। इसलिए जानबूझ करके कि गांव गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए, आगे ना बढ़ पाए, ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सबका मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू किए जाने का काम होगा। और डर तो यह है कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा आ गए, अभी तो आर्मी में ये किया है 4 साल की नौकरी, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस पीएससी की जो नौकरी है वो 3 साल की कर दे। तो अभी तो अग्निवीर की है, इन्होंने फौज का किया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दें कि जो पुलिस के लोग हैं इनको 3 साल की नौकरी दें। इसे विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हर हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है।